रहती है कि जिसमें उस मंदोदरी को सपना आता। राजा रावण से वो मंदोदरी कहती कि महाराज मुझे सपना आया लक्की साहब के सपने में लंका तहस नहस दिखी है, और आप ऐसा कीजिए इस सीता माँ को श्री राम के हवाले कीजिए। बावड़ी हो रही है तू, सपने कभी सच्चे नहीं होते। क्या कहता है सब झूठे रानी क्यों जिंदगी न खोरी। तीन लोक और 14 भुवन है, भवन नहीं है, तीन लोक और 14 भुवन में रावण रावण हो रही। रानी तू क्या सोचती है, 60,000 वर्ष हो चुके इस पृथ्वी पर राज करते हो, मेरे सामने कोई बोलने वाला नहीं, देख कौन कौन कदम पड़े हैं। क्या कहता है, क्या क्या बता है? क्या बात है? मेरे बहुत ही आदरणीय चाचा महावीर शर्मा जी 100 रुपये से आशीर्वाद, मेरे बड़े भाई राजेंद्र शर्मा जी व्यापारी 100 रुपये से और आशीर्वाद, मेरे बड़े भाई मुकेश शर्मा व सतीश शर्मा जी 100 रुपये से आशीर्वाद, सौ सौ रुपये से और आशीर्वाद देते हैं, 200 रुपये बार बार धन्यवाद दिया जाता है, जो रह गया वो गलती माफी चाहते हैं। आदरणीय टीला पहलवान जी बहुत ही नाम पहले 100 रुपये से और आशीर्वाद। बहुत बढ़िया तरह, बहुत बढ़िया बात भाई ने सुनाई है, भाई ने सुनाई थी जमल फत्ते के इतिहास से, उससे थोड़ी पीछे की बात है कि हरि सिंह हाडे ने मालदेव की मोड़ को तोड़ दिया। मालदेव अकबर के पास में दिल्ली पहुंच जाता है और अकबर के पास में शिकायत करता है जाके
ये महाराज मेरे साथ में तन्यूनू बनी, लेकिन एक काम कर दो क्या कि जम्मल ने अपना नया शहर बसाए मेहरता नाम से, कर लेने का संदेशा उसके पास में भेज दो, चिट्ठी लेके अकबर चिट्ठी लिख के वहां पहुंचा देता है। और जब ये चिट्ठी जम्मल को मिली और जम्मल उस पत्र को पढ़े, शशपदनी पूछती है कि महाराज कहां से आया पत्र के, दिल्ली दिल्ली से आया, अकबर के दरबार से, क्या लिखा है, क्या कर मांगे है। ये महाराज अकबर ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन तेरा चाचा वहां पहुंच गया, वो जो तेरा दुश्मन बना बैठा है, के तक कर देना पड़ेगा, ना तो एक काम कर ले के और डर के नहीं रहना चाहिए, यहां से चलना चाहिए, किसी पद नहीं पर ठिकाना है, एक ठिकाना महाराज पूरा चलेंगे, कहा क्या जी करे था कि मैं तेरी सेवा कर लूं, लेकिन ये संदेश देखते मेरा और बड़का जी हो गया, क्या कहा पहले नंबर पर क्या लिखा, अरे बच्चे मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद।
आदरणीय महावीर शर्मा जी 100 रुपये मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आदरणीय बड़े भाई मुकेश शर्मा जी और सतीश शर्मा जी 100 रुपये और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। पवन जल धरण रानी पढ़े राजा मोड मुकट के सब बड़ा साते से करो जेब हड़े महात्मा शीश झुका नाटे से शेष नागी पताल करा गिण गिण के दिल काटे खोल के खोल के देखन रानी इस कपल तम सोरी खाली होकर कमर मड़ू से रोड़ूंगी तू सो जाइए सजन पलंग पे मैं ले का पंखा जोड़ूंगी और पैर शकर कर तेरी जो पंजाब जोड़ूंगी जाए तन कौशी होगी ते के पाछा धूल पेटाऊंगी तेरे चाचा का नी ख्याल करूं तो मेरा धरती की माँ शर्म लगे चालन चतोड़ सजन अड़ सारी अनादर लगे कि रे हम राजपूत हैं जात के राजपूतों का खून मेरी नसों में दौड़ रहा है मैं किसी के पास में जाऊंगा नहीं महाराज मैं जानती हूँ लेकिन जो बदमानस होता है वो दुनिया के अंदर बदनामी करता है वो बदनामी करेगा तेरी इस बात का डर है मन मदद तो करके तो गिरी बैठी हूँ क्या कहा दो नंबर पे क्या दिया करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद क्या लिखा है बहुत अच्छे Yeah!
और मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई मुकेश शर्मा जी शोर पीछे और मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। राजगढ़ गांव से आदरणीय फुलकुआर सरपंच साहब यादव जी शोर पीछे और मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। राजगढ़ गांव से आदरणीय सरपंच साहब फूल कुमार जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद किया जाता है। और तीसरी कली में राजा रावण कहता कि रानी तू क्या समझती, जब राजा शील ध्वज ने स्वयं पर रचम उड़े था उस धनुष ने तो मैं भी तोड़ सकू था, कुछ मर्यादाएं थी और फिर दो बालक थे उड़े क्या कहता है। राजा सभी बुलाए और मैं भी अचानक पहुंच गया, राम लखन को पाए उन बड़का की केतन की मन बड़े बड़े कराए, रावण राजा सभा में जो हरकत करी थी कौरवों ने उसा काम मेरे साथ में बनेगा फिर तू राजी रहेगा। पत्नी ऐसी कोई बात नहीं, हम राजपूत हैं किसी बात से उल्टे नहीं हटेंगे। ये महाराज ये मेरी प्रार्थना है आपके पास में, मैं तो इतनी सेना कि अकबर के साथ में तू लड़ाई लड़ ले, साल पड़ोगे वो भी तेरा घर है, आपस में यारे प्यारे रिश्तेदारी भीड़ पड़ी के अंदर काम आते, तीसरे नंबर पे क्या कहा। के माँ
श्रीराम पंडित जी महाराज दिनोद गांव से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। भूख गात मैं परी सभा में चक्कर मारा आई को हाथ में सब्र जाता मान गया मेरी इज्जत मिली हाथ में कभी राम के माला यक्षर पड़ गया प्रसाद लक्ष्मी चले इस बात में फायदा है ना रे, वो तेरा दादा अकबर के पास में मिल लिया और सारी बात का नाश कर देगा, क्योंकि अकबर के पास में किसी चीज की कमी नहीं। यूं भी देगा वो क्या करा करा भी आगत है। एक राउंड और ईसाई नुक करो।